So hi guys, welcome to Unacademy Neet. I am Akanksha, your chemistry educator, and welcome to this series जहाँ पर हम try कर रहे हैं कि आपके chemistry के सभी chapters हम cover कर लें within 15 minutes. हम सब जानते हैं कि यार selection ensure करने के लिए जरूरी है extensive revision, multiple times revision same topic का, और वह मुश्किल बन जाता है क्योंकि syllabus बहुत ज़्यादा है. पर उसी को आसान बनाने के लिए we have this series for you जो आपकी बहुत मदद करेगा last time revision में, जहाँ पर यार आपको सिर्फ एक 15 to 20 minutes का video देखना है और आपका केमिस्ट्री का एक पूरा यूनिट रिवाइज हो चुका होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा. आई ऑल्सो फील वेरी वेरी मोटिवेटेड, और इसी के साथ साथ अपना फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन. देखिए, हम रिवीजन करने वाले हैं आपके सुपर नोट्स की हेल्प से जो मैंने खुद बनाए हैं, जो आपको मिल रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर. तो आई एम आकांक्षा कर्णवाल, मुझे मेरे नाम के साथ आप ढूंढ सकते हैं. मेरे नाम की सही स्पेलिंग आपको मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसी स्पेलिंग यानी कि उसी नेम के साथ आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जहां से आप ये सुपर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और इनके हेल्प से आपका रिवीजन बन जाएगा बेहद आसान. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. और आज के लिए जो टॉपिक हमने चूज किया है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस. तो देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले तो अगर बात की जाए कि आपके पास ये नेम कहां से आया रेडॉक्स, तो देखिए रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, और यहां पर आपका ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन. जहां पर हम सब जानते हैं कि हमारे पास होती है ट्रिक जो क्या कहता है, LOGR, लॉगर. लॉगर का मतलब है यहां पर दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं रख पाते ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है. तो सिंपल है यार, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. जैसे आप देख रहे हैं यहां पर कोई ए है और उससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो ये क्या बन जाता है, ऑक्सीडेशन. एंड सिमिलरली जब जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, देन दैट इज रिडक्शन. तो ये ट्रिक आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, और यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है. सबसे पहले ध्यान रखिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट कहा जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहा जाता है. अब देखिए, एजेंट का काम हमेशा दूसरे के लिए होता है. तो अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराने वाला है, और अगर वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराने वाला है, दैट मींस उसका सेल्फ का रिडक्शन होने वाला है. तो एक ऐसा स्पीशीज जिसका खुद का रिडक्शन हो जाए बट वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा दे, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास एक ऐसा स्पीशीज है जिसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का वो रिडक्शन करा रहा है, तो ऐसा स्पीशीज रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है. और फिर आ जाते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स पर, जहां से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि यार किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की एक पर्टिकुलर बॉन्ड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा. तो रूल नंबर वन हमें कहता है कि देखिए, अगर कहीं भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, राइट है, या कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हेल्प से बनता है. तो अगर कहीं भी आपके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है कि हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है. होमो एटॉमिक मतलब जहां पर सभी एटम सेम है, जैसे आप देख रहे हो ए ए ए ए, सभी में ए और ए के बीच में बॉन्ड है, दैट मींस दोनों सेम एटम्स हैं. तो देखिए, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड डबल भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकता है. तो अगर यहां पर आपके पास इनके बीच में इस तरह से सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि यार कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम एटम्स हैं, तो यहां पर हमारे पास सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही निकल कर आती है. फिर आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोवेलेंट बॉन्ड अगर हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में फॉर्म हो रहा है. तो देखिए, हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, जहां पर हमारे पास दो डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व्ड हैं. तो यहां पर आपके पास एक ए एटम है और दूसरा आपके पास बी एटम है, और जरूर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस होगा, है ना, कोई भी दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है. तो यहां पर अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो हम क्या कहते हैं, अगर ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना है, तो क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि यार सिंगल बॉन्ड है, एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो इसीलिए माइनस वन चार्ज आता है और बी के ऊपर प्लस वन आ जाता है. सिमिलरली अगर यार डबल बॉन्ड बना है, तो यहां पर क्योंकि ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहा है, फॉर द सेम रीजन इसके ऊपर माइनस टू चार्ज आ जाएगा. लेकिन ध्यान रखिए, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होगा, नॉट माइनस वन, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में हम सब जानते हैं कि यार इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर शिफ्ट हो जाएंगे. सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, तो यहां पर माइनस थ्री और प्लस थ्री, क्योंकि यहां पर कितने इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे. फिर इसके बाद नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन
अब फिर इसके बाद नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो यार कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द बॉन्ड जहां पर आपके पास कोई एक डोनर एटम है और दूसरा हमारा क्या होता है, एक्सेप्टर एटम होता है। तो लेट्स से यहां पर यार ए आपका डोनर एटम है जो दोनों ही लोन पेयर्स को डोनेट कर रहा है और बी को दे रहा है। होगा क्या जब एक बार ये बॉन्ड डोनेट होगा क्या कि यार जब ये एक बारी लोन पेयर आपका डोनेट कर देता है तो अभी म्यूचुअल शेयरिंग होगी ये इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन ए एंड बी। अब बेसिकली हमें देखना है कि किसके ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दो कंडीशंस लगाकर देखनी होती है। पहली क्या कि यार हमारे पास ये जो ए है ना, यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जा रहा है तो क्योंकि ये देने वाला है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर प्लस टू और माइनस टू चार्ज आना चाहिए। ये जो आपने यहाँ पर प्लस टू और माइनस टू लिखा है ये लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एरो का डायरेक्शन। एरो का ये जो डायरेक्शन है ये आपको कह रहा है कि ए डोनेट कर रहा है और बी को मिल रहा है, तो पहले आपने ये लिखा। फिर इसके बाद आपको चेक करना है कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या चार्जेस आने चाहिए। तो क्योंकि यहां पर लिखा है कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है ना, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है तो फिर तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, है ना। जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो गोइंग बाय दैट कॉन्सेप्ट एज वेल यहां पर हमारे बी के ऊपर क्या आना चाहिए, माइनस टू, और ए के पास आना चाहिए प्लस टू। दोनों ही तरीके से चाहे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर देख लें या फिर एरो के बेसिस पर देख लें, हमारे पास चार्जेस वही निकल कर आ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मीन्स ऐसे केस में हमारे पास ए का प्लस टू हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर बी इट बी माइनस टू। सिमिलरली यार दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए एरो का डायरेक्शन तो सेम टू सेम है लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर, जैसे हमने ये वाला केस कंसिडर किया था कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, राइट। बट वॉट इफ हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो फिर वैसे केस में क्या होता है। देखिए अगर हम एरो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, है ना, तो यार यहां पर एरो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास ये वाले चार्जेस निकल कर आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन और बी को मिल रहे हैं, तो यार जो डोनेट करने वाला है उसके ऊपर तो पॉजिटिव ही चार्ज आएगा। फिर उसके बाद क्योंकि बी को दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसके ऊपर माइनस टू आएगा। लेकिन ये जो हमने चार्जेस दिए हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन किए हैं ये एरो के बेसिस पर है। एक बार चेक करिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर जो कंडीशन आपको गिवन है ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यार फिर उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, और बी के ऊपर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आपका जो एरो का डायरेक्शन है दोनों अलग अलग चार्जेस बता रहे हैं, यानी कि दोनों के केस में एकदम ऑपोजिट चार्जेस निकल कर आ रहे हैं। तो फाइनल क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दी जाएगी, बहुत आसान है। यहां पर प्लस टू माइनस टू विल कैंसिल आउट ईच अदर, ऐसे ये भी चार्जेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड हेंस ए और बी के ऊपर हमारे पास जीरो चार्जेस ही आने वाले, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहने वाली है। कहने का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए तो सबसे पहले आपको एरो की डायरेक्शन के बेसिस पर साइंस या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट दे देना है, फिर चेक करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर क्या होना चाहिए। अगर सेम आ रहा है वेल एंड गुड, बट अगर सेम नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिए दे विल कैंसिल आउट ईच अदर और अल्टीमेटली आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो बन जाएगा फॉर बोथ दी एलिमेंट्स। और आखिरी केस क्या हो सकता है जहां पर यार दोनों ही एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए। तो अगर दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो इसको भी जीरो मिलना चाहिए, इसको भी, है ना। लेकिन अगर हम एरो का डायरेक्शन देखते हैं तो क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर प्लस टू आया गया और बी को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस टू। सो इस तरीके से आप किसी भी बॉन्ड में आसानी से यू नो ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है द जीरो रूल। जीरो रूल आपको समझाना चाहता है कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए जितने भी हमारे पास फ्री एलिमेंट्स होते हैं, फ्री मतलब जो किसी के साथ कंबाइन नहीं किए हुए हैं, जैसे सोडियम है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, मतलब फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाया उन्होंने, कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं किया है,
तो ऐसे केस में इन सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कंसिडर की जाती है। फिर अगर हमारे पास कोई होमोटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे कि आपके पास H2 है, Cl2 है, F2 है, दैट मींस जहां पर सेम ही एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि सेम एटम में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, देयरफॉर यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, जीरो ही आता है। ये बिल्कुल यही वाला केस है जो अभी अभी हमने यहां पर डिस्कस किया था, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स का कोवेलेंट बॉन्ड। फिर इसके बाद अगर कोई भी एलिमेंट अपनी एलोट्रॉपिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यार वहां पर भी हमारे पास एग्जैक्टली सेम तरीके से आप करेंगे और आप क्या कहेंगे कि वहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही आएगा। जैसे कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट, सल्फर का एलोट्रॉप होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, तो दोनों ही केस में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आता है। फिर यार अगर कोई भी आपका मेटल एक अलॉय में प्रेजेंट है, अलॉय हम सब जानते हैं, अलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, तो यार इस तरीके से अगर आपके पास कोई अलॉय है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, तो वहां पर आपके पास जितने भी मेटल्स इन्वॉल्व है ना, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, जीरो आने वाली है। तो ध्यान रखिएगा कि अलॉय के अंदर, मतलब इस तरीके से आपके पास कोई मिक्सचर ऑफ मेटल्स वाला आपका कोई कंपाउंड है, जैसे सोडियम एमालगम हुआ, ये सब हुए, तो यहां पर इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो आपके इंडिविजुअल मेटल्स इन्वॉल्व हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। वहीं जितने भी हमारे मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं कहां पर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कि यार जितने भी हमारे मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, जीरो रहती है, क्योंकि कार्बोनिल CO एक न्यूट्रल लीगेंड है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेंस जीरो। तो ध्यान रखिएगा जैसे निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, यहां पर देखिए सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। अभी इधर आ जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस मोनोवेलेंट भी होता है, इसीलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही क्या आने वाली है, -1 आने वाली है। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन यहां पर आता है, एक्सेप्शन होता है हमारा हाइपोफ्लोरस एसिड, और हाइपोफ्लोरस एसिड के केस में फ्लोरीन यार +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है। तो देखिए फ्लोरीन हमेशा ही क्या दिखाएगा, -1, लेकिन ये एक स्पेशल केस जहां पर फ्लोरीन दिखाता है आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर इसके बाद जितने भी हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, क्योंकि ये आपके group 1 मेटल्स हैं, और यहां पर आप सब जानते हो कि हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आता है, NS1। सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो आपका बिलोंग करते हैं तो group 2, यहां पर आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आता है, NS2। तो यार आपके पास NS1, NS2, जितने हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जैक्टली उतना ही बन जाएगा। तो हमारे पास जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, +2 आता है। फिर इसके बाद आप यहां से क्या चेक कर सकते हैं, अपने एसिड की स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको सेट ऑफ एसिड्स गिवन है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका एसिड बाकी एसिड के रिस्पेक्ट में कितना स्ट्रांग है, right? तो हम क्या कहते हैं कि एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑन द सेंट्रल एटम। इस बात का मतलब समझिए, क्योंकि लुईस एसिड्स कौन होते हैं, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो उतना अच्छा एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए अगर सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, और आप ऐसे ध्यान रख सकते हो दैट इट विल बिहेव एज अ बेटर एसिड। तो यहां पर हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, दीज आर ऑल द ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो देखिए यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +1, +3, +5, +7 रिस्पेक्टिवली। तो क्योंकि आप देख रहे हो कि आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट HClO4 के लिए सबसे ज्यादा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट होती है। फिर इसी तरह हम चेक कर सकते हैं कि हमारा बेस का स्ट्रेंथ क्या होने वाला है, यानी कि आप यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट अपनी बेसिक स्ट्रेंथ भी डिटरमाइन कर सकते हो। अब यार ऑब्वियसली एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अलग अलग ही आने वाला है ना, तो हम क्या कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस उतनी अच्छी होगी जितना ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा, आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम जितना कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर एटम की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आता है कि यार मैक्सिमम पॉसिबल होती है इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मिनिमम कैसे निकाली जा सकती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 माइनस कर दीजिए। इसका आपको एक एग्जांपल सिखा देते हैं। फॉर सल्फर द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 3s2 3p4। यहां मैंने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखा है, दैट मींस यार इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो आप कहेंगे कि मैम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टोटल 4। तो अगर इसके पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी
सॉरी यहाँ पर टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसके पास है, तो इसका मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बन जाता है? +6 बन जाता है. और यार मिनिमम कितना हो जाएगा बताइए? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल टू 6 - 8 विच इज इक्वल टू -2, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8. ठीक है, यहां से आपके पास क्या निकल कर आ जाती है? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ जाती है सल्फर के लिए. तो सल्फर का मैक्सिमम इक्वल टू +6 और सल्फर का मिनिमम कितना हो गया? -2. ऐसे ही कर आप किसी भी बाकी एलिमेंट के लिए उसकी मैक्सिमम या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि आप कैसे हम पता लगा सकते हैं कि गिवन एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. तो बड़ा सिंपल है यार, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो कब बिहेव करता है? जब उसका खुद का रिडक्शन हो पाए. और खुद का रिडक्शन तभी हो सकता है अगर वो एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको गिवन है. जैसे सल्फर है, सल्फर का यार कोई कंपाउंड आपको गिवन है जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में. अब वो +6 से ऊपर तो जा नहीं सकता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है. उसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? रिडक्शन ही हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ लोअर पॉजिटिव में जा सकता है. तो यहां पर सल्फर का ऐसा कंपाउंड जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो जरूर किसकी तरह बिहेव करने वाला है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बिहेव करने वाला है. फिर हमारे पास क्या आता है? इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आता है. अब आप देखिए इक्विवेलेंट वेट क्या है, इसको हम यूज करते हैं नॉर्मैलिटी फाइंड आउट करने के लिए भी. तो यार ये एक यूनिटलेस नंबर होता है. फिर उसके बाद इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. अब क्वेश्चन ये आता है कि एन फैक्टर क्या होता है? और यहां पर ध्यान रखिएगा कि एन फैक्टर हमेशा ही पॉजिटिव होता है. एन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन किसका एन फैक्टर कैलकुलेट किया जा रहा है. तो अगर आप आयन की बात करते हैं तो आयन के लिए एन फैक्टर विल बी इक्वल टू द चार्ज. यानी जैसे सोडियम है यार, उसके ऊपर +1 का चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है. तो यहां पर साइन को हम कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जितना भी आपका मैग्नीट्यूड है उसको ले लीजिए. तो जैसे कि यहां पर 1 है, इधर 2, इधर 2, तो दिस बिकम्स द एन फैक्टर फॉर दीज रिस्पेक्टिव आयन्स. इसी तरह एसिड में हम चेक करते हैं कि आपके पास कितने रिमूवेबल प्रोटॉन्स हैं. हाउ मेनी रिमूवेबल प्रोटॉन्स डू वी हैव. तो जैसे अगर आप HCl की बात करते हैं तो यहाँ पर यार इसमें से एक प्रोटॉन बाहर आ सकता है, यहाँ से 2 आ सकते हैं, इधर से 3 आ सकते हैं. दिस बिकम्स देयर एन फैक्टर. और इसी को हम क्या कहते हैं? बेसिसिटी कहते हैं. तो एसिड्स के लिए उनका बेसिसिटी ही एन फैक्टर के इक्वल होता है. सिमिलरली यार बेस की बात की जाए तो वहां से कितने OH नेगेटिव आयंस को रिमूव किया जा सकता है, यानी कि उनकी एसिडिटी क्या होती है, वही उनका एन फैक्टर बन जाता है. तो जैसे RNaOH से 1 OH नेगेटिव मिलेगा, एन फैक्टर बिकम्स 1. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपके पास 2 OH नेगेटिव आने हैं तो यहाँ पर आपके पास एन फैक्टर्स बिकम्स इक्वल टू 2. सिंपल है. फिर अगर हमारे पास कोई सॉल्ट का हमें एन फैक्टर लिखना पड़ जाए तो वहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है. तो फॉर एग्जाम्पल AlCl3 का मुझे अगर एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो मैं जानती हूँ AlCl3 से मुझे मिलने वाला है Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि यार पॉजिटिव आयन पर टोटल चार्ज कितना है. तो 3 का चार्ज है तो इसका जो आपका एन फैक्टर है दैट बिकम्स इक्वल टू 3. सिमिलरली यहाँ पर आप देख लीजिए Cl नेगेटिव के ऊपर टोटल चार्ज कितना है. तो यार चार्ज तो -1 ही है ना, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास 3 क्लोराइड आयन्स हैं तो आप क्या करेंगे, 3 × 1 कर देंगे एंड दैट इज हाउ आपके पास ये कितना बन जाता है, 3 के इक्वल बन जाता है, दैट्स इट. फिर हमारे पास क्या आता है कि हमारा KMnO4 विच इज पोटेशियम परमैंगनेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7 होती है यार. तो देखिए क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम में, यार देखिए सबसे पहले तो क्योंकि इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब ये अपनी हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो नहीं, तो ऑब्वियसली ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जाएगा, हायर में तो नहीं जा सकता है. एंड दैट इज हाउ ये सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि इसका खुद का क्या होने वाला है, रिडक्शन. तो हर एक मीडियम में इसका रिडक्शन ही होता है, पर ध्यान रखिएगा कि अगर एसिडिक मीडियम है तो यहां पर ये परमैंगनेट आयन से जिसमें मैंगनीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया है, 5 का चेंज आया, तो आपका एन फैक्टर बिकम्स इक्वल टू 5. सिमिलरली अगर स्लाइटली बेसिक मीडियम है या फिर न्यूट्रल मीडियम है तो ऐसे केस में हमारे पास ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में चेंज हो जाता है. तो एन फैक्टर का कितना चेंज हुआ है, 3 का चेंज हुआ यार. एंड दैट इज हाउ हमारे पास ये वाले केस में कितना एन फैक्टर आ जाएगा. जब आप न्यूट्रल मीडियम की बात कर रहे हो यहां पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है बट द एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 3. और
कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक सोल्यूशन के अंदर यहां पर एन फैक्टर आपका 1 बन जाता है. तो देखिए MnO4 नेगेटिव प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है MnO4 2 नेगेटिव में, है ना. एंड दैट्स इट. तो ये प्लस 7 से प्लस 6 में जाना क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 का ही चेंज हुआ है. तो जो आपका एन फैक्टर है वो कितना बन जाता है, इक्वल टू 1. फिर ध्यान रखिएगा कि आपका जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकता है. मतलब कि ऑक्सीजन यार अगर ऑक्साइड फॉर्म में है तो माइनस 2, पर ऑक्साइड फॉर्म में है तो माइनस 1, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में है तो माइनस हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्पेक्टिवली दिखाता है. फिर इसके बाद हम करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. कैसे किया जाता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. मतलब बेहद आसान है. आपको मान लीजिए ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है, इसमें हमें सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होता है बैलेंसिंग करने के लिए, ये आइडेंटिफाई करना कि किस स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है और किस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो यहां अगर हम देखते हैं Br2 से BrO3 नेगेटिव का बनना, जहां पर Br की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 है यार, तो ये 0 से प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना ऑक्सीडेशन हुआ और 0 से माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना रिडक्शन हुआ. तो यहां हम समझ चुके हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है. तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को सेपरेटली लिख लेना है. एक बार आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को सेपरेटली लिख लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है, एटम्स को बैलेंस करना होता है. और जब भी आप एटम्स को बैलेंस करने जा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस किया जाता है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करिए. फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर के हेल्प से, और उसके बाद सबसे एंड में हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है. तो हमारे पास यहां क्या आएगा, जैसे कि आप देख रहे हो इधर Br2 है, तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया सो दैट हमारे पास 2 Br आ जाए. एंड फिर यहाँ पर 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, 2 × 3 = 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या आता है, वाटर मॉलिक्यूल आता है. तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग ऑक्सीजन को किसके हेल्प से बैलेंस करते हैं, वाटर के हेल्प से. और क्योंकि अब यहाँ पर 12H पॉजिटिव आ चुके हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या है, 12H पॉजिटिव को ऐड. और यहां पर अब हमें नेक्स्ट स्टेप विच इज द लास्ट स्टेप, उसमें हमें क्या करना है यार, लास्ट स्टेप में हमें करना होता है चार्ज को बैलेंस. तो आखिरी स्टेप में हम क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं. चार्ज कैसे बैलेंस किया जाएगा, दोनों साइड आपके पास सेम चार्ज होना चाहिए. यहां अगर मैं चेक करती हूं तो ये साइड मेरे को एकदम न्यूट्रल नजर आ रही है, वेयर एज इस साइड पर 10 पॉजिटिव का चार्ज है. तो हम क्या करते हैं, इस साइड 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, तो ये भी आपका ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. सिमिलरली आप रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, फिर आपको क्या करना है, दोनों ही रिएक्शंस को ऐड कर क्या करना है, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर आप ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन लिख देते हैं. और बैलेंसिंग आपकी इस तरह से की जाएगी कि यार दोनों ही रिएक्शंस में हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. समझ रहे हैं आप कि आपकी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और जो आपकी रिडक्शन रिएक्शन है, दोनों में ही हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, यानी कि हमारे मेन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए. तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूं. तो यार मेरे पास इस इक्वेशन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 5 Br2 प्लस 10 Br नेगेटिव आ जाएगा. एंड नाउ व्हेन आई एड बोथ दीज रिएक्शंस, तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, दैट दिस विल बी माई ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन. अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने जरूर शेयर करना है. दैट वॉज ऑल, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल विद द नेक्स्ट वीडियो. गुड लक एंड टेक केयर.